सोनभद्र के शक्ति नगर पुलिस ने बीते दिनों में हुई एनटीपीसी आवासीय परिसर में लाखों की चोरी का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। चोरी किए गए सभी सामानों की बरामदगी करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कार सहित लैपटॉप, चांदी के सिक्के, मिक्सर आदि सामानों की बरामदगी की गई। पिपरी क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में शक्ति नगर पुलिस ने बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया। सोनभद्र के शक्ति नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एनटीपीसी आवासीय परिसर में चोरों ने बंद आवास का ताला तोड़कर सामान चोरी करते हुए कार में सामान को लेकर कार सहित फरार हो गए थे। पुलिस के लिए चुनौती बने चोरी के कांड को पिपरी क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने गंभीरता दिखाते हुए अपने कुशल निर्देशन में टीम गठित कर चोरों की धर पकड़ के लिए दबिश देना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया और नवागत शक्ति नगर थाना अध्यक्ष नागेश सिंह के नेतृत्व में शक्ति नगर पुलिस ने सुद्धिचुआ खदान मोड़ समीप से चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। आज से लगभग एक महीने पहले 8:09 की रात में एनटीपीसी के एम्प्लॉय के घर में चोरी हुई थी, जिनके यहाँ से एक शेवरलेट कार, लैपटॉप, हेयर ड्रायर और मिक्सर आदि कई सामानों की चोरी हुई थी। चोरी पुलिस के लिए चुनौती के रूप में पुलिस ने इसको लिया था, क्योंकि जिस चोर उसी घर में चोरी करके और उनकी गाड़ी पर ही सभी सामान को रख के और लेके चले गए थे, तभी से शक्ति नगर पुलिस इसमें लगी हुई थी। आज इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इन चोरों को बीती रात बुद्धिचुआ के पास से गिरफ्तार किया गया है और चोरी गया 100% माल, पूरा माल, कार, सिक्का, लैपटॉप, हेयर ड्रायर सब कुछ बरामद हो गया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये चोर आसपास के न होकर यहाँ से बहुत दूर रावर्ट्सगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो नशेड़ी टाइप के हैं, नशे के आदि हैं और इन्होंने अपने नशे की लत की को पूरा करने के लिए ये चोरी को अंजाम दिया था। हमें इनके खिलाफ थाना रावर्ट्सगंज से आपराधिक मामले मिले हैं और भी जगह से इसकी जानकारी की जा रही है।